हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग कर रहे हैं हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में ये है वीडियो लेक्चर नंबर 4। आइए आज मैं आपको बता देता हूँ आज इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले काम कर लेते हैं कि जो हमने अभी तक किया है उसको रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास का ही रिवाइज कर लेते हैं, बाकी ज़्यादा पीछे हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो कि JR मुंगा बुक से मैंने लिया था, 12.14 इसका पेज नंबर है। इसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, उसकी टेबल हमने बनाई थी। भारत स्टील जो कि एक हायर परचेजर है, उसकी बुक्स में अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे डालनी है वो हमने सीखी थी यहाँ पर। फिर हमने देखा था लेक्चर नंबर 3 में हायर परचेजर जो भारत स्टील है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में मशीनरी ऑन हायर परचेज अकाउंट कैसे बनाया जाएगा और हायर वेंडर अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि फिक्स्ड एसेट ऑन हायर परचेज और हायर वेंडर अकाउंट ये इंपॉर्टेंट अकाउंट है, ये हमेशा आपको बनाने ही है। लेकिन बाकी अकाउंट जैसे इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज या फिर डेप्रिसिएशन, बस और तो यहाँ पे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बैंक है, बैंक तो नॉर्मली पूछते नहीं है, तो वो आपको बनाने पड़ सकते हैं जब क्वेश्चन मांगेगा तब। चलिए, गला बिल्कुल बैठा हुआ है क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है तो गले की बैंड बजी हुई है। ये लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेक्चर नंबर 4 में क्या हम करने वाले हैं मैं वो बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये मैंने JR मुंगा 12.12 पेज नंबर से लिया है। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा दूंगा जो हायर परचेजर है उसकी बुक्स में जर्नल एंट्रीज बुक में क्या दी गई हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँगा हायर वेंडर जो कि अभी मैं पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि बुक में पेज नंबर 12.13 पर ये एंट्रीज दी गई हैं। ठीक है, हायर वेंडर की बुक्स में। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है यहाँ पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का, क्योंकि उसमें चार मेथड होते हैं, नॉर्मली चार मेथड एग्जाम में आते हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के, अभी हमने एक मेथड ही देखा है तो वन बाय वन हम उसको भी डिस्कस साथ साथ करते चलेंगे। राइट, तो चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कितना हम कवर कर पाते हैं। आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा क्योंकि फिर वो स्टूडेंट को थोड़ा बोर फील होने लग जाता है। चलिए, तो जल्दी से हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। मतलब वही क्वेश्चन चल रहा है पिछली 2-3 क्लासों से, इलस्ट्रेशन नंबर 8, क्योंकि इसमें वेंडर की बुक्स भी पूछी गई है। चलिए, तो हम फटाफट से आ जाते हैं यहां पर। या फिर एक काम कर लेते हैं, हमें थोड़ा सा स्पेस यहीं पे बना लेना है, क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ मैं यहीं से लिंक कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं ये सब इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था इलस्ट्रेशन नंबर 8। इस क्वेश्चन को पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम आप पढ़ के रखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। और जो स्टूडेंट पहले से कर रहे हैं सिक्वेंस में वीडियोज वॉच कर रहे हैं उन लोगों के लिए टेंशन नहीं है, उन लोगों को सारा क्वेश्चन पता है कि क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से हम कर लेते हैं। हायर वेंडर कौन है? हायर वेंडर है सेलर, तो सेलर क्या एंट्री करेगा? सेलर जो गुड्स बेच रहा है। अब मैं यहाँ पे एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से जल्दी से आपको बता देता हूँ, ये पर्सन है सेलर जिसको हम बोल रहे हैं हायर वेंडर, ये है परचेजर जिसको बोल रहे हैं हम हायर परचेजर। ठीक है,
तो हमने इसकी बुक्स में एंट्रीज डाली थी लास्ट क्लास में, अब हम लास्ट टू लास्ट क्लास में, और हायर वेंडर, जो हायर वेंडर है मतलब सेलर, उसकी बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री क्या डालेंगी, अब हम वो यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हायर वेंडर ने इस रजिस्ट्रेशन में मशीन बेची थी ऑन एचपी, हायर परचेज पर मशीन बेची थी, और जो उसको अमाउंट मिल रहा है वो इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है, यानी पेमेंट कैसे आ रही, इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो अब यहां पर मुझे एक बात बताइए, सेलर के लिए जो वो एसेट बेच रहा है मशीन ऑन हायर परचेज, वो उसके लिए, क्योंकि वो नॉर्मल वही काम कर रहा है, एसेट्स को बेचने का काम कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, वो नॉर्मल बिजनेस है, तो उसके लिए है वो गुड्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया, गुड्स। हायर परचेजर के लिए फिक्स रेट है, लेकिन हायर वेंडर के लिए वो गुड्स। तो यहां पर ध्यान देना जरा, जैसे आप 11th क्लास में गुड्स को उधार बेचते थे तो क्या एंट्री करते थे, याद करिए, गुड्स को उधार बेचने की एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां पर भी सेम वही एंट्री करने वाले हैं, जब एग्रीमेंट होगा तो यहां पे एंट्री करेगा सेलर, क्या एंट्री करेगा, इसमें डेट गिवन है 1 जनवरी 2016, क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको डेट मिल जाएगी 1 जनवरी 2016। हायर वेंडर क्या एंट्री डालेगा, हायर परचेजर का नाम लिखेगा, क्योंकि वो डेटर है, भारत स्टील, भारत स्टील लिमिटेड। एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या लिखा है, भारत स्टील्स लिमिटेड टू सेल ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट। तो यहां पे उन्होंने क्या लिखा, यहां पे लिखा नॉर्मल सेल नहीं लिखा, यहां पे लिखा हायर परचेज सेल्स। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे वर्ड ऐड क्या कर दिया, हायर परचेज सेल, मतलब ये ऑर्डिनरी सेल नहीं है, और ये क्या है, डेटर, उसने अपना डेटर बुक कर लिया भारत स्टील को, और यहाँ पे हायर परचेज सेल यानी रेवेन्यू बुक कर लिया। ठीक है, कितना अमाउंट, यहाँ पे कितना अमाउंट लेना है, 22,000, कैश प्राइस हमेशा लिया जाएगा 22,350 रुपये, जो मशीन का कैश प्राइस है। फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई, जी सर। उसके बाद बात आती है 1 जनवरी 2016 को ही भारत स्टील ने इसे कुछ पेमेंट दिए, जिसको हम बोल रहे हैं डाउन पेमेंट। तो सिंपल डेटर से कुछ पैसे आ गए बैंक अकाउंट, हमारा इंक्रीज हो जाएगा, आप चाहें तो कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, 6,000 रुपये हमारे पास भारत स्टील से आए हैं, एसेट बढ़ गए। और दूसरी बात, हमारा जो डेटर था भारत स्टील, वो डिक्रीज हो गया। भारत स्टील्स लिमिटेड 6,000। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 31/12/2016 यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट बाद में होगी, इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, तो यहां पे देखो ध्यान से, हायर वेंडर के लिए इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल, ये क्या है, इनकम, तो वो किसको डेबिट करेगा, भारत स्टील को, भारत स्टील्स लिमिटेड। कितना इंटरेस्ट है, आइए जरा टेबल से देख लेते हैं, 817 फर्स्ट ईयर में है, फिर 558 है, फिर 275 है, 817 ये डेटर बुक कर लिया कि भारत स्टील से वो पैसे लेगा, और दूसरा ये इंटरेस्ट हायर परचेज सेल 817। उसके बाद यहां पर इंटरेस्ट ड्यू हो गया, फिर यहां पर पेमेंट रिसीव हो जाएगी, पेमेंट जब रिसीव होगी तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हायर वेंडर को मिल रही है भारत स्टील लिमिटेड। कितने की है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 6,000। आप प्लीज एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार ये क्वेश्चन आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले कई बार इसको पढ़ा चुका हूं, तो
अब दोबारा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप जल्दी से इस पर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री कब होगी, ये भी होगी 31 दिसंबर 2016 को। अब ध्यान से देखिए, हायर परचेजर की बुक्स में डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज होता था, लेकिन क्या यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, नहीं, क्योंकि इसके लिए गुड्स है, यहाँ तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो फिर यहाँ पे क्या एंट्री होगी, अब यहाँ पे एंट्री होगी जो पी एंड एल में ट्रांसफर करने वाली एंट्री है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर इनकम अकाउंट या एक्सपेंस अकाउंट होगा वो पी एंड एल में ट्रांसफर करा जाएगा। ये हमारा डेटर अकाउंट है, ये हमारा रेवेन्यू अकाउंट है, ये हमारा, आप देखिए ध्यान से, बैंक अकाउंट है, और ये हमारे पास अगेन डेटर अकाउंट है, ये फिर डेटर अकाउंट आ गया, और ये इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल, ठीक है। तो ये हम ट्रांसफर कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन एचपी सेल्स अकाउंट डेबिट 8172 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 817। किसी स्टूडेंट के दिमाग में अगर डाउट आ रहा होगा, माइंड में अगर डाउट ये आ रहा होगा कि जो हायर परचेज सेल है वो भी तो पी एंड एल में ही जाएगा, हाँ जी जाएगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है, उसकी एंट्री अब हम यहाँ पे नहीं डाल रहे, वो क्रेडिट साइड पर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की। फिर अब आगे हम बात कर लेते हैं 31 दिसंबर 2017, फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा यहाँ पे, फिर से ये मैं आपको इसका रीजन बता देता हूँ, चलो इसका भी लिख ही देते हैं, इनकम है हायर वेंडर के लिए, और भारत स्टील ये डेटर था, ये डिक्रीज हो गया, यहाँ पे ये ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर की एंट्री, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा भारत स्टील्स लिमिटेड, सेकंड इंटरेस्ट आप टेबल से देख लीजिए 558 और लास्ट है 275 558, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन एचपी सेल्स 558, ठीक है। फिर सेवंथ एंट्री हमारी क्या होगी, 31 दिसंबर 2017 को अमाउंट रिसीव करने की, यहाँ पे डेटर हमने बुक किया इसको, और ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमेशा क्रेडिट होता है, इनकम है, यहाँ पर पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू भारत स्टील, लिमिटेड, ठीक है। तो ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमारे पास आ रही है 6,000 रुपये की, उसके बाद एट एंट्री 31 दिसंबर 2017 को कौन सी होगी, जो ये इंटरेस्ट है, ये वाला जो इंटरेस्ट है इसको हम पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन एचपी सेल्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 558 558, नहीं बिल्कुल सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में मुझे आप बता दीजिए जल्दी जल्दी से, सेम ही एंट्री रिपीट हो रही है, हाँ जी, नाइन्थ नंबर एंट्री यहाँ पर ये सेम आएगा, डेट चेंज हो जाएगी 31 दिसंबर 2018, भारत स्टील टू इंटरेस्ट कितने अमाउंट से आएगा 275 275, आप चेक कर सकते हैं लास्ट वाले इंटरेस्ट टेबल से 275, ठीक है। फिर उसके बाद नाइन्थ एंट्री सेम डेट पर होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू भारत स्टील 6,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, थर्ड इंस्टॉलमेंट है। और फिर इलेवंथ एंट्री हो जाएगी, जो इंटरेस्ट आपने 275 लिखा है उसको पी एंड एल में ट्रांसफर करने की, तो इंटरेस्ट, एक मिनट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 275 इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज टू पी एंड एल 275, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका
हायर वेंडर की बुक्स में एंट्रीज हो जाएंगी। एक बार दोबारा से जल्दी जल्दी देख लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कितने कैश प्राइस पर मशीन को बेचा गया है उतने अमाउंट से डेटर यहाँ पे बुक कर लेंगे हम। हायर वेंडर को यहाँ पर डेटर बुक कर लेंगे जिस दिन कोई भी एसेट बेचा गया है, मतलब हायर वेंडर, हायर परचेजर के लिए वो एसेट है लेकिन वेंडर के लिए वो गुड्स है। उसने डेटर बुक कर लिया और यहाँ पे लिख दिया सेल्स। सेल्स नॉर्मल नहीं लिखना है, हायर परचेज सेल्स लिखना है क्योंकि ये नॉर्मल सेल नहीं है। उसके बाद उसी दिन कुछ पैसे मिले सेम डेट पर डाउन पेमेंट में, तो वो पैसा बैंक में रिकॉर्ड होगा और दूसरा डेटर से पैसे आ गए, दूसरे से डिक्रीज हो गए, ठीक है। फिर क्या होगा, एक साल के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी, सॉरी पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा। भारत स्टील को डेटर बुक किया जाएगा 817, जिसके लिए हमने टेबल ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है, तो वहीं से इंटरेस्ट का अमाउंट आपको देख के लिखना है। और इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल ये वेंडर की इनकम हो जाएगी। फिर उसके बाद अमाउंट रिसीव कर लिया जाएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पर रिसीव होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स यानी भारत स्टील, 6000 की इंस्टॉलमेंट आ गई। फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट होगा इनकम अकाउंट जो होगा वो P&L में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बस ये सिंपल एंट्रीज है, बाकी हर बार ये एंट्रीज आगे रिपीट होती चली जाएंगी। हमारी कौन कौन सी एंट्री रिपीट हो जाएंगी, यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू यानी 3rd, 4th and 5th, हर साल ये एंट्री रिपीट हो जाएंगी जब जब पेमेंट की जा रही है, ठीक है। तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें था। अब मैं आपको जल्दी से मैच भी करा दूं, हायर परचेजर की बुक्स में हमने क्या रिकॉर्ड किया था। अब मैं हायर परचेजर की बुक्स की बात कर रहा हूँ, जल्दी से आप देख लीजिए। एंट्रीज फॉर डाउन पेमेंट एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, व्हेन एसेट इज टेकन ऑन हायर परचेज, एसेट ऑन हायर परचेज टू वेंडर, हायर वेंडर को यहाँ पे क्रेडिटर बुक कर लिया, लाइबिलिटी बुक हो गई और यहाँ पे एक एसेट बुक हो गया, ठीक है। उसके बाद डाउन पेमेंट के लिए एंट्री क्या होगी, हायर वेंडर लाइबिलिटी टूवर्ड्स हायर वेंडर कम हो गई और यहाँ पे एसेट डिक्रीज हो गया। फिर थर्ड में इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री जो कि साल के एंड पे होगी। इस साल के दो एंट्री साल के स्टार्टिंग में है जब आपने एसेट को खरीदा है, और ये है इंटरेस्ट ड्यू करने की। इंटरेस्ट हायर परचेजर के लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ, और यहाँ पे लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट हो गया। फिर डाउन पेमेंट, सॉरी पहली इंस्टॉलमेंट है, लाइबिलिटी टूवर्ड्स हायर वेंडर कम और यहाँ पे एसेट डिक्रीज। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज की डेप्रिसिएशन ये आपने 11th क्लास में पढ़ी रखी है, और फिर ट्रांसफर कर दिया P&L में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री थर्ड से लेके सिक्स्थ एंट्री तक वुड बी रिपीटेड फॉर सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट विद ऑफकोर्स डिफरेंट अमाउंट एज द केस में भी, ठीक है। तीसरी चौथी पांचवी छठी एंट्रीज रिपीट होंगी नेक्स्ट ईयर्स में, ठीक है। चलो यही सब यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर लिखा हुआ है। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर द फॉलोइंग स्कीम ऑफ जनरल एंट्रीज अडॉप्टेड फॉर रिसीट ऑफ डाउन पेमेंट एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। जब साइनिंग एट द टाइम ऑफ साइनिंग द हायर परचेज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट साइन करते वक्त डेटर बुक कर लिया, हायर परचेज सेल दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद ही कुछ नहीं, आप पढ़ लेना। सिंपल सिंपल से पॉइंट है, सेल को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देंगे, बस यही है और कुछ नहीं है। आगे कहता है रिसीट ऑफ डाउन पेमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, डेटर से पैसे आ गए, ऐसा डिक्रीज इंक्रीज। ये इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री है, यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू करा है, बेसिकली इंटरेस्ट ड्यू करा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रिसीव कर लिया इन्वेस्ट इंस्टॉलमेंट। उसके बाद यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल है वो P&L में ट्रांसफर कर दिया, और यहाँ पे लिखा है एंट्री थर्ड से लेकर पाँच तक, फाइव तक वुड बी रिपीटेड फॉर सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। चलो और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको पढ़वा देता हूँ, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी अकाउंट, ध्यान से सुनना। सम टाइम एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑन हायर परचेज में सिंपली रिक्वायर स्टूडेंट टू प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये बोल रहा है नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है, उस केस में आपको सिर्फ दो अकाउंट प्रिपेयर करने हायर परचेजर की बुक्स में। इन सच ए केस स्टूडेंट शुड फॉलो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स एज गिवन बिलो। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर नेसेसरी अकाउंट क्या होगा, एसेट परचेज ऑन हायर परचेज, और दूसरा यहाँ पे होगा, या पढ़ लेना पॉज करके। और सेकेंड अकाउंट जो इंपॉर्टेंट है हायर परचेजर की बुक में वो है
हायर वेंडर अकाउंट, अगर एग्जामिनर मांगता है तो आपको इंटरेस्ट अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, लेकिन नेसेसरी अकाउंट मांगे तो एसेट अकाउंट जो कि हायर परचेज पर खरीदा है, और दूसरा है आपका हायर वेंडर अकाउंट जो कि हायर परचेजर की बुक्स में आपको बनाना है, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करूँगा, अभी मेरे गले से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वॉइस क्लियर आए मेरा, लेकिन गला बिल्कुल बैठ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टडी को एंजॉय करते रहिए, बाय बाय।